श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के मेरे पास जीरो यह प्रश्न आते हैं कि दीदी, सोमवार के दिन हमें हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर हमें कैसे हेयर वॉश करना चाहिए यदि हम सोमवार का कोई व्रत कर रहे हैं, या हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, या हम 16 सोमवार कर रहे हैं, या सोमवार के दिन प्रदोष पड़ जाता है तो हमें हेयर वॉश कैसे करनी चाहिए, और यदि हम शाम को शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो क्या हमें नहा करके मंदिर जाना है या फिर बिना नहाए हम पूजा कर सकते हैं। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनिएगा। तो सबसे प्रथम जो मेरे पास प्रश्न आता है, जो बार बार आता है, वो यह है कि सोमवार के दिन हमें सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, व्रत के दौरान हमें क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात को समझिएगा, यदि लड़का हो या लड़की हो या शादीशुदा स्त्री हो, सोमवार को यदि आप व्रत करते हो, ठीक है, तो व्रत वाले दिन कभी भी सोमवार के सिर आपको नहीं धोना चाहिए। और यदि आपके पीरियड्स हैं और आप फोर्थ डे पे हेयर वॉश कर रहे हो तो कभी भी सोमवार के दिन हेयर वॉश ना करें। पीरियड के बाल तो कभी भी सोमवार के दिन नहीं धोए जाते हैं, तो इसीलिए अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आप व्रत के एक दिन पहले ही हेयर वॉश करें। अब बारी आती है, लड़के क्या सोमवार के दिन हेयर वॉश कर सकते हैं? तो देखिए, लड़कों के लिए शास्त्रों में कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा नियम नहीं बताए गए हैं। जो भी नियम है आप सभी जानते हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। तो हमेशा सिर से नहाना ही स्वच्छता कहलाता है, कि हम बाल धोते हैं तभी पूर्ण स्नान कहलाता है। तो यदि लड़के कोई सोमवार का पूजन करते हैं या व्रत करते हैं तो उन्हें अपने जो नहाने का जो जल है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना चाहिए, अगर वो सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो। और यदि लड़कियां या स्त्रियां भी सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो उन्हें अपने जो नहाने का या जो भी आप जिससे सिर धोएंगे उस पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत के दौरान जो आपका चंद्रमा होता है, जिस भी दिन आप व्रत रखते हैं वो चंद्र आपका ऊंच या नीच स्थिति में होता है, तो दूध जो होता है वो उसकी स्थिति को, उसके परिणामों को नष्ट कर देता है, जो कि आपको दुष्ट परिणाम कई बार देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सोमवार को महादेव के साथ साथ चंद्रमा का दिन भी माना जाता है, तो जब भी आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं और आपको हेयर वॉश करना है या आप करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं कहूँगी आप एक दिन पहले ही हेयर वॉश करिए, परंतु यदि किसी कारण से आप नहीं कर पाए हैं और आपको सोमवार के दिन हेयर वॉश करना है तो फिर पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाने के बाद ही आप हेयर वॉश करें। अब इसके बाद देखिए, वैसे तो मैं मना ही करूँगी आपको सिर नहीं धोना चाहिए, परंतु यदि आप सिर धोते हो तो उसका एक चीज़ पे आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो ये है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या बेटियां हैं घर में या बहुएं हैं, यदि वो सोमवार के दिन सिर धोती हैं तो उन पे कर्ज का भार बढ़ता है और आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो कोशिश करें सोमवार के दिन सिर ना धोएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और कहा जाता है कि सोमवार के दिन जब आप सिर धो के महादेव का पूजन करते हैं तो आपके बाल एक तो बंधे हुए होने चाहिए, दूसरा बालों को पूर्ण तरह से सुखाने के बाद ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, आपके बालों से जल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव का जो सोमवार का वार होता है, जब हम पूजन करते हैं तो महादेव की जटाओं से गंगा बहती है, तो वह जल जो होता है, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं, जिससे आप अपने बाल धो रहे हैं, उस जल का पृथ्वी पर गिरना शुभ नहीं माना जाता है। तो जब आप अपने बाल धो लें, उन्हें थोड़ा सा बांध लें और सुखाने के बाद ही आपको महादेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में बस बालों को बांधते हैं, बालों में से पानी गिर रहा होता है, हम पूजन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ प्रश्न मेरे पास, जो अन्य प्रश्न आते हैं, कि सोमवार के दिन यदि हम व्रत कर रहे हैं और हमें शाम को, जैसे पशुपति व्रत हो गया, प्रदोष व्रत हो गया, इसका पूजन हम शाम के समय करते हैं, तो क्या हमें नहा के पूजन करना चाहिए? तो देखिए, एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यदि आप सुबह आपने स्नान किया है, उसके बाद आपने दिन भर में जब भी आप शाम का पूजन कर रहे हैं आपने वॉशरूम यूज़ किया है, कई बार होता है हम फ्रेश होने जाते हैं या कई बार हम वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो थोड़ी सी अशुद्धता शरीर में आ जाती है, तो आपको शाम को नहाने के बाद ही पूजन करना चाहिए। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप स्नान करने में सक्षम नहीं है, आप नहीं स्नान कर सकते, तो फिर आपको अपने ऊपर गंगाजल छिड़कने के बाद ही पूजन करना चाहिए। और वैसे तो मैं कहूँगी शाम के समय नहाकर पूजन करा जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्वच्छता शरीर के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए सिर से हमेशा स्नान आपको करना चाहिए, परंतु
सोमवार को सिर धोने संबंधी इन नियमों का पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर तभी होगी जब आप थोड़ा सा कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे नियम होते हैं, परंतु हम हमेशा यह सोचते रह जाते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल रहा है। क्योंकि महादेव का, जैसे मैंने बार बताया, सोमवार महादेव का दिन माना जाता है, उसी तरह सोमवार चंद्रमा का दिन भी माना जाता है। और चंद्रमा को आपको प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए, यदि आप सिर धो रहे हैं तो। आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर करके पुण्य अवश्य कमाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।